हे गाइस, दिस इज योर द मूवी बॉय के फॉर कर्तव्य। वेलकम टू आवर चैनल। और दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो हम डेडिकेट करते हैं हमारे व्यूअर सुरेश सोलंकी जी को, क्योंकि उन्होंने ही हमसे कहा था कि हम रामानंद सागर जी पर भी एक वीडियो बनाएं। तो सुरेश भाई, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम लेजेंडरी फिल्म मेकर ऑफ बॉलीवुड एंड इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री श्री रामानंद सागर जी के कैरियर को एनालाइज करेंगे और उनके द्वारा बनाई गई फिल्मों और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, रामानंद सागर जी का पूरा नाम चंद्रमौली चोपड़ा है। अगर हम उनके कैरियर की बात करें तो उन्होंने राइडर्स ऑफ द रेल रोड नाम की साइलेंट फिल्म से एज अ क्लैपर बॉय अपने कैरियर की शुरुआत करी थी। उसके बाद उन्होंने पृथ्वी थिएटर ज्वाइन किया और पृथ्वी राज कपूर जी के गाइडेंस में कुछ प्ले भी डायरेक्ट किए। इसके साथ ही उन्होंने बरसात और पैगाम जैसी सफल फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट भी लिखी। 1950 में उन्होंने सागर आर्ट्स के नाम से अपने खुद की फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट की। एज अ फिल्म डायरेक्टर रामानंद सागर जी ने आरजू, आंखें, चरस और बगावत जैसी शानदार और सक्सेसफुल फिल्में बनाई हैं। उसके बाद उन्होंने टेलीविजन की ओर अपना रुख किया और इंडियन माइथोलॉजिकल सीरियल्स बनाए, जिनमें रामायण, विक्रम और बेताल, अलिफ लैला, लव कुश, कृष्णा और साईं बाबा जैसे ऑल टाइम फेवरेट और कल्ट क्लासिक शोज शामिल हैं। रामानंद सागर जी को सबसे ज़्यादा उनके शो रामायण के लिए याद किया जाता है और इस सीरियल के नाम सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले धार्मिक शो का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज है। और जिस समय यह शो प्रसारित होता था, ऐसा कहा जाता है कि सारी गलियाँ सुनी हो जाती थी, मानो कर्फ्यू लगा हो, क्योंकि बड़ों से लेकर छोटों तक एक साथ बैठकर इस शो को देखा करते थे। रामानंद सागर जी की टेलीविजन सीरियल से जुड़ी आपकी क्या यादें हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रामानंद सागर जी की फिल्मों और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में डिटेल में। एज अ डायरेक्टर, रामानंद सागर जी की पहले फिल्म आई मेहमान। मेहमान 1953 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में प्रेमनाथ, निम्मी, सज्जन, पूर्णिमा और अनिल विश्वास जैसे एक्टर्स नजर आए थे। और तकरीबन 10 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 18 लाख का नेट कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद एज अ डायरेक्टर उनकी अगली फिल्म आई बाजूबंद, जो 1954 में रिलीज हुई और इस फिल्म में बलराज साहनी, सुलोचना चटर्जी, रूपमाला और अनवर हुसैन जैसे एक्टर्स नजर आए थे। और तकरीबन 13.5 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 12.5 लाख का नेट कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद उनकी अगली फिल्म आई घूंघट, जो 1960 में रिलीज हुई और इस फिल्म में प्रदीप कुमार, बीना राय, भारत भूषण, आशा पारेख और राजेंद्र नाथ जैसे एक्टर्स नजर आए थे। और तकरीबन 25 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 80 लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई थी। इसके बाद एज अ डायरेक्टर उनकी अगली फिल्म आई जिंदगी, जो 1964 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, राजकुमार, वैजयंती माला और पृथ्वीराज कपूर जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे। और तकरीबन 30 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 1 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई। इसके बाद रामानंद सागर जी की एज अ डायरेक्टर अगली फिल्म आई आरजू, जो 15 जनवरी 1965 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान, नाजिमा, नासिर हुसैन और महमूद जैसे एक्टर्स नजर आए थे। और तकरीबन 35 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 2 करोड़ का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद एज अ डायरेक्टर रामानंद सागर जी की अगली फिल्म आई आंखें, जो 3 अगस्त 1968 को रिलीज हुई और इस फिल्म में माला सिन्हा, धर्मेंद्र, सुजीत कुमार, महमूद और मदनपुरी जैसे एक्टर्स नजर आए थे। और तकरीबन 35 से 40 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 3 करोड़ 25 लाख का नेट कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद उनकी अगली फिल्म आई गीत, जो 19 सितंबर 1970 को रिलीज हुई और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा, नासिर हुसैन और सुजीत कुमार जैसे एक्टर्स नजर आए थे। और तकरीबन 50 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 95 लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज साबित हुई थी। इसके बाद एज अ डायरेक्टर रामानंद सागर जी की अगली फिल्म आई ललकार,
जो 23 मई 1972 को रिलीज हुई। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, माला सिन्हा, दारा सिंह, आगा, रमेश देव और देव कुमार जैसे एक्टर्स नजर आए थे। और तकरीबन 65 से 70 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 70 लाख का नेट कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद उनकी अगली फिल्म आई जलते बदन, जो 1973 में रिलीज हुई। और इस फिल्म में कुमकुम, किरण कुमार, नीना, पद्मा खन्ना और प्रदीप कुमार जैसे एक्टर्स नजर आए थे। और तकरीबन 40 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 28 लाख का नेट कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद एज अ डायरेक्टर उनकी अगली फिल्म आई चरस, जो 24 मई 1976 को रिलीज हुई। और इस फिल्म में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अजीत और अमजद खान जैसे एक्टर्स नजर आए थे। और तकरीबन 90 से 95 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 2,75,00,000 का नेट कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई थी। इसके बाद उनकी अगली फिल्म आई प्रेम बंधन, जो 19 जनवरी 1979 को रिलीज हुई। और इस फिल्म में राजेश खन्ना, रेखा, मौसमी चटर्जी, बिलबल और ललिता पवार जैसे एक्टर्स नजर आए थे। और तकरीबन 75 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 65 लाख का नेट कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद रामानंद सागर जी की एज अ डायरेक्टर अगली फिल्म आई बगावत, जो 27 अगस्त 1982 को रिलीज हुई। और इस फिल्म में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, रीना रॉय, अमजद खान और पद्मा चौहान जैसे एक्टर्स नजर आए थे। और तकरीबन 1,70,00,000 के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 3,30,00,000 का नेट कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी। इसके बाद उनकी एज अ डायरेक्टर अगली फिल्म आई रोमांस, जो 1983 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म में शम्मी कपूर, कुमार गौरव, पूनम ढिल्लन, राज बब्बर और रंजीता कौर जैसे एक्टर्स नजर आए थे। और तकरीबन 1,40,00,000 के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 80,00,000 का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद उनकी अगली फिल्म आई सलमा, जो 1985 में रिलीज हुई। और इस फिल्म में राज बब्बर, सलमा आगा, फारूक शेख और सोमा आनंद के साथ प्रदीप कुमार जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे। और तकरीबन 65 से 70 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 35,00,000 का नेट कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। आपको रामानंद सागर जी द्वारा बनाई गई फिल्मों और सीरियल्स में कौन सी फिल्में और सीरियल सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। क्योंकि सिनेमा से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हम आप सभी के लिए लाते ही रहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।